जब भगवान कृष्ण को श्राप मिला कि उनका परिवार आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा तो यादव उनके परिवार के लोग थे। जब यादव लोगों ने आपस में लड़ाई की तो उसमें कृष्णा के बेटे प्रद्युमन सहित बहुत से योद्धा मारे गए। इससे क्रोधित होकर कृष्ण ने बाकी बचे हुए यादवों को खत्म कर दिया। इसके बाद कृष्ण अपने भाई बलराम के पास गए, जहाँ बलराम के मुँह से एक सफेद सांप निकला और वो चले गए और बलराम का शरीर बिना प्राण के हो गया था। कृष्ण बहुत दुखी हुए और वहाँ से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गए। वहाँ एक शिकारी ने गलती से कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। जब शिकारी ने माफी मांगी तो कृष्ण ने उसे समझाया और फिर अपने लोक में चले गए। जब पांडवों को ये खबर मिली कि हस्तिनापुर में शोक फैल गया है, अर्जुन ने यादवों की अंतिम संस्कार करवाए और फिर द्वारका से सभी बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। इस दौरान द्वारका शहर समुद्र में डूबने लगी। रास्ते में कुछ लोगों और संपत्ति को डाकुओं ने लूट लिया और अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाए। भारत के अनुसार कृष्ण के पोते को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया था और कई यादव लोग जिनमें बच्चे बूढ़े और महिलाएं शामिल थी हस्तिनापुर पहुंच गए थे।